रियल एस्टेट सेक्टर का मानना है कि बजट में होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ने से उनकी मांग बनी रहेगी। इतना ही नहीं, छोटे और सस्ते मकान बनाने पर बिल्डर्स को भी कम से कम 5 साल के लिए इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए और मकान बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर GST की दर को कम किया जाना चाहिए ताकि मकान खरीदार को कीमत में राहत मिल सके। कोरोना काल के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर का काम बिल्कुल ठप रहा। अब फिर से रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आई है, लेकिन पिछले 4-5 महीनों से होम लोन ब्याज दर में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे उन्हें अपनी बिक्री प्रभावित होने की आशंका है। राजस्थान क्रेडाई के अध्यक्ष धीरेन्द्र मदान का कहना है कि पिछले 1 साल से रियल एस्टेट का बाजार अच्छा चल रहा है। बजट में सरकार होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ा देगी तो मांग बनी रह सकती है। होम लोन लेने वालों को मूलधन और ब्याज दोनों पर टैक्स इंसेंटिव मिलना चाहिए। अभी सिर्फ होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। मकान बनाने में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट, स्टील जैसे कच्चे माल पर GST कम करने से क्रेता और विक्रेता दोनों को लाभ मिलेगा।